हेलो दोस्तों दोस्तों होंडा सिटी जो है पहले से ही लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जी हाँ, इसका अपना एक अलग ही क्रेज है, अलग ही इसका स्टाइल है और अलग ही पॉपुलरिटी, मतलब इसका स्वैग ही अलग है। और जब से कंपनी ने, होंडा कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि वो अपनी प्रेजेंट होंडा सिटी का नया फेसलिफ्ट 2023 मॉडल मार्केट में लॉन्च करने वाली है, तब से जो इस सेगमेंट की कार कंपनियां हैं उनके होश उड़े। होंडा के इस अनाउंस ने दोस्तों बड़ी उनके टेंशन पैदा कर दी है, क्योंकि वैसे ही ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जो इसका फेसलिफ्ट वर्जन जब आएगा तो वो मार्केट में धूम मचा देगा। तो दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा सिटी फेसलिफ्ट 2023 के बारे में कि कैसे रहने वाली है ये कार, क्या होंगे इसके फीचर्स और कब तक होगी मार्केट में ये लॉन्च और क्या रहने वाली है इसकी कीमत। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं होंडा सिटी फेसलिफ्ट के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया, होंडा सिटी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडियन मार्केट में और इसका एक अपना अलग ही रुतबा है, एक अलग ही जगह। ये लग्जरी सेगमेंट की सेडान कार है और ये जो गाड़ी है ये अपने फीचर्स और अपने लुक्स की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। तो दोस्तों जहां इसके लुक्स की मैं बात कर रही हूं, तो सामने से होंडा ने इसके लुक्स में काफी कुछ बदलाव किया है। इसकी जो ऊपर DRLS थी उसके नीचे छोटी छोटी टॉप में DRLS दी हुई है, उसके नीचे छोटी छोटी हेडलाइट्स हैं, स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर उनको लुक्स दिया हुआ है। साथ में एक लंबे लाइनिंग आईलाइनर के टाइप में जो है इसकी जो DRLS है वो नजर आ रही है। सामने नया जो बम्पर सेट है, ग्रिल्स सामने की वो भी बिल्कुल नई नया सेटअप इसके अंदर दिया है। साथ में जो इसका बोनट है उसमें भी काफी चेंज किया गया है, वो भी आपको पहले से ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। तो सामने से देखने के बाद ये गाड़ी जो है पहले से काफी लंबी लंबी नजर आती है। बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड में भी जो टेल लाइट्स का सेटअप है वो भी बिल्कुल फ्रेश इसके अंदर दिया हुआ है। नया टेल बम्पर भी जो है उसमें भी चेंज देखने को मिल रहा है और पीछे से इसको थोड़ा सा उठा हुआ भी ये अब नजर आ रही है। तो कुल मिला के गाड़ी जो है अब कंप्लीट जो है एक पैकेज नजर आ रही है स्पोर्टी लुक्स के साथ और एग्जीक्यूटिव लुक इसका जो है गाड़ी का नजर आ रहा है। दोस्तों अब इस नए लुक्स के साथ ये गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे होंडा ने यंगस्टर्स और एग्जीक्यूटिव लोगों को या ऑफिस जाने वाले लोगों को ध्यान में रख के इस गाड़ी को डिजाइन किया है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों जहां फीचर्स की मैं बात करूं तो होंडा ने अब इसके अंदर भर भर के फीचर्स दे दिए हैं। जी हाँ, जहां होंडा ने इसके अंदर टच स्क्रीन अप हेड डिस्प्ले दिया है, साथ में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी सुविधाएं तो इसमें है ही। साथ में आपको मिलेगा वायरलेस चार्जिंग सिस्टम और एयर प्योरीफायर भी। इसका जो स्टेयरिंग है वो मल्टी फंक्शनल है, सारे फंक्शन जो है आपको इसकी स्टेयरिंग के ऊपर मिल जाएंगे। साथ में ये गाड़ी आती है दोस्तों इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, इसको गाड़ी को जो है होंडा लॉन्च करेगा, जो इसके अंदर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। साथ में ये वॉइस कंट्रोल भी फीचर जो है इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा। बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो सेफ्टी फीचर्स में इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे बैक कैमरा, पार्किंग सेंसर जैसी सुविधाएं तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में ABS, EBD जैसी सुविधाएं भी आपको मिलने वाली है, साथ में लेन चेंज असिस्ट और आपको ADAS जैसी सुविधाएं भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाली है। तो ये गाड़ी जो है अब जो है मार्केट में अपने फीचर्स और लुक से आग लगाने वाली है। इस गाड़ी के अंदर पहले आपको एक छोटा सनरूफ मिलता था, अब जो इसके सनरूफ का साइज भी जो है वो बढ़ा दिया गया है, पहले से बड़ा सनरूफ अब इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके इंजन के बारे में कि कैसा रहने वाला है होंडा सिटी फेसलिफ्ट 2023 का इंजन। तो जहां दोस्तों इंजन की बात करूं, तो दोस्तों फिलहाल जो होंडा है इसको पेट्रोल इंजन में ही लॉन्च करेगी, सिर्फ यानी कि एक ही वेरियंट आएगा इसका, पेट्रोल वेरियंट ही इसका आएगा। इस पेट्रोल के अंदर भी इसके दो वेरिएंट होंगे, एक कन्वेंशनल और एक हाइब्रिड। जहां कन्वेंशनल इंजन की मैं बात करूं तो वो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो करीबन आपको 119 BHP की पावर
और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करके देखा जाए। हाइब्रिड इंजन की मैं बात करूं तो दोस्तों वो भी 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ही है, वो आपको करीबन 124 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। तो यानी कि दोस्तों अभी फिलहाल जो होंडा है उसने इसको तो ही वेरिएंट में उतारा है, दोनों इंजन BS6 मानक के ऊपर बने हुए हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ के बात करते हैं होंडा सिटी फेसलिफ्ट के प्राइस की कि क्या रहने वाले हैं इसके प्राइस, फेसलिफ्ट 2023 होंडा सिटी के प्राइस, जो सबसे बड़ी चीज है कितना ये आपकी चेंज तो आपको मिल गया और फीचर्स भी मिल गए पर ये बोझ कितना डालेगी आपकी जेब पे, तो वो अभी अधिकारी कुछ भी पता नहीं लगा है, बट जो अंदाजा लगाया जा रहा है ये करीबन 12.5 लाख से स्टार्ट होके जो इसका टॉप मॉडल है वो 15.5 लाख तक जाएगा कन्वेंशनल इंजन में, और जहां बात करें हाइब्रिड की तो हाइब्रिड जो है ये करीबन 20 लाख रुपए के आसपास आपको मिलेगी दिल्ली एक्सशो। तो दोस्तों अब आगे बढ़ के बात करते हैं कि कब तक होगी ये लॉन्च। तो जहां लॉन्चिंग की बात की जाए तो 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में इस गाड़ी को लॉन्च करने की होंडा प्लानिंग कर रहा है, यानी कि मार्च या अप्रैल में ये गाड़ी जो है मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। अगर मार्च अप्रैल में लॉन्च नहीं होती है तो ये गाड़ी फिर जाके अगस्त में लॉन्च की जाएगी। तो फिलहाल प्लानिंग जो होंडा की है वो इसको जल्द से जल्द मार्केट में लॉन्च करने की, क्योंकि जो इसकी कंपटीटर गाड़ियां हैं उनका भी फेसलिफ्ट वर्जन मार्केट में आने वाला है। तो दोस्तों ये थी होंडा की सिटी का फेसलिफ्ट 2023, कैसी लगी नई कार, नई होंडा सिटी। हाँ, वीडियो और कार दोनों अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय।